चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया। प्रदेश में 7 आईपीएस और 13 आईएएस का ट्रांसफर किया गया। चुनाव से पहले एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। प्रदेश में 7 आईपीएस और 13 आईएएस का ट्रांसफर किया गया। एक बड़ा फेरबदल आईएएस और पीसीएस का। इस खबर पर हमारे साथ अखंड प्रताप शाही हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अखंड, एक बड़ा फेरबदल चुनाव से पहले किस तरह से देखा जाए, क्या कुछ मायने इसके? बिल्कुल के राणा, ये जो फेरबदल किया गया है, ये फेरबदल इस वजह से ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि चुनाव बिल्कुल करीब है। कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है, चुनाव की अधिघोषणा जारी हो सकती है और इस अधिघोषणा के जारी होने के बाद सरकार का नियंत्रण पूरे प्रशासन से एक तरीके से कहा जाए तो वो हट जाएगा सीधे तौर पर, क्योंकि अगर उसके बाद कोई तबादले करने होंगे तो सरकार को इजाजत लेनी होगी निर्वाचन आयोग से और फिर उसके बाद अगर विशेष परिस्थितियां रहती हैं तो ही ये इजाजत मिलेगी कि प्रशासनिक फेरबदल की जा सकती है। ऐसे में सरकार जब अपना पूरा प्रशासन अपना शासन जो हैंडओवर करेगा करना चाहेगी जब चुनाव आयोग को, तो उसके पास इस बात को लेके मुतमईन होने का मौका अभी तक है। जब तक कि वो घोषणा नहीं हो जाती है, चुनावों की अधिघोषणा नहीं हो जाती है, तो इस अधिघोषणा से पहले, इसलिए क्योंकि बेहतर जो प्रशासक हैं, जो बेहतर अधिकारी हैं, उन बेहतर अधिकारियों को सही जगह पे पोस्ट कर लिया जाए, उन जगहों पे पोस्ट कर दिया जाए जिससे आने वाले समय में चुनाव के दौरान किसी तरीके की कोई धांधली ना हो, कि जिनका बेहतर परफॉर्मेंस है उन्हीं को जिम्मेदारी दी जाए, जिनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा है उन्हें दूसरी जगहों पे कम जिम्मेदारी वाला कम महत्व वाले स्थानों पर उनको ट्रांसफर किया जाए। खासतौर पर जो DM है, कमिश्नर है, उनके उनको लेके जो प्रशासन से सीधे तरीके से जुड़े हुए हैं, आम पब्लिक में जिनकी डीलिंग है। अखंड, ऐसे में क्या सिर्फ सवाल इतना ही है? अखंड, क्या ऐसे में सवाल सिर्फ इतना ही है कि इन अधिकारियों के तबादले सिर्फ इसलिए किए गए ताकि प्रशासन को बेहतर किया जा सके और चुनाव के समय पर बेहतर रिजल्ट आया जाए, या इसके राजनीतिक समीकरण भी बन सकते हैं? देखिए, राजनीतिक समीकरण तो हमेशा से ही किसी भी जब प्रशासन या शासन में फेरबदल होती है तो उससे जुड़े ही होते हैं, ये समीकरणों से कोई इनकार नहीं करता है। और इससे भी इस बार भी जो ट्रांसफर किए जा रहे हैं या ट्रांसफर हो रहे हैं उनमें इससे इनकार नहीं किया जा सकता के राणा। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है कि हर सरकार जो चुनावों तक जाती है उसको ये अपने मनमाफिक के जो अधिकारी होते हैं, जो अच्छे अधिकारी होते हैं, उनको शिफ्ट करने की मंशा होती है। खास तो पे योगी आदित्यनाथ की अगर बात करते हैं तो ये थोड़े अलग इस बात में भी जरूर है क्योंकि उन्हें प्रशासन से कोई बहुत लाग लपेट नहीं रहा। उन्हें हमेशा जब भी दिखा है तो अपने बूते, अपनी जो क्षमता है, अपना जो कार्यशैली, उस कार्यशैली पे ज्यादा भरोसा रहा है। हाँ, कुछ अधिकारी जिनकी शिकायतें ज्यादा रही हैं उन्हें सैक करने में या उन्हें हटाने में उन्हें बिल्कुल देरी नहीं लगती है और यही वजह है कि उनके जो सख्त प्रशासन का मसला रहा है उसको इससे लेके ज्यादा जोड़कर देखा जा रहा है। हाँ, ये जरूर है कि चुनाव आ गए हैं तो उसके बाद मौके नहीं रहेंगे जाकर, जैसा कि हमने शुरुआत में कहा कि अब मौके नहीं रह जाएंगे, जैसे ही चुनावों की घोषणा जारी हो जाएगी उसके बाद मौके नहीं रह जाते हैं कि आप फेरबदल कर सकें, या बल्क में जो ट्रांसफर पोस्टिंग का जो मसला है, जो ट्रांसफर करने का मसला है, वो आपके पास में रह जाए। तो ऐसे में जब आपके पास में वो अथॉरिटी नहीं रहेगी तो अथॉरिटी फिर आप ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। और ऐसे में जब जनता के बीच में जाना हो, आपको अपने काम को दिखाना हो, सख्त प्रशासन के साथ जनता के बीच में आपको अपनी बात पहुंचानी हो, तो प्रशासन के उच्च पदों पे या जिम्मेदार पदों पे बैठे हुए लोग आपके लिए आईना बनकर काम करते हैं। तो ऐसे में वो आईना जो है वो उसको झाड़ पोछ के साफ किया जाने की कवायद चल रही, जो अंतिम चरण में है। जी बिल्कुल, शुक्रिया अखंड आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।